The Supreme Court on Tuesday, in the case of Bar of Indian Lawyers through its president Jasbir Singh Malik versus D.K. Gandhi, P.S. National Institute of Communicable Diseases, held that सेवाओं की कमी के लिए एडवोकेट्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 री इनैक्टेड इन 2019। कोर्ट ने कहा कि प्रोफेशनल्स के साथ बिजनेस एंड ट्रेड करने वाले व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। जस्टिसेस बेला त्रिवेदी एंड पंकज मित्तल की बेंच ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के 2007 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2 क्लॉज ओ के तहत आती है। जस्टिस त्रिवेदी ने जजमेंट के ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ते हुए कहा कि जजमेंट ने प्रोफेशन को बिजनेस एंड ट्रेड से अलग कर दिया है। एक प्रोफेशनल को हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, स्किल एंड मेंटल लेबर की आवश्यकता होती है। किसी प्रोफेशनल की सफलता वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है विच आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक प्रोफेशनल के साथ बिजनेसमैन के बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता। बेंच ने यह भी कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेज वीपी शांता में फैसले पर दोबारा गौर करने की जरूरत है, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लायबल ठहराया जा सकता है। बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वीपी शांता जजमेंट को रिकंसिडरेशन के लिए लार्जर बेंच के पास भेजने का अनुरोध किया। एडवोकेट्स की नेचर एंड रोल को ध्यान में रखते हुए द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट लीगल प्रोफेशन इज सुई जेनेरिस इन नेचर और इसकी तुलना अन्य व्यवसायों से नहीं की जा सकती। सुई जेनेरिस का मतलब होता है यूनिक। इन कंक्लूजन कोर्ट ने माना कि सेवाओं में कमी का एलिगेशन लगाने वाले एडवोकेट्स के खिलाफ शिकायतें उपभोक्ता फोरम के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है। साथ ही जस्टिस त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि फैसले में यह मानने का प्रस्ताव नहीं है कि एडवोकेट्स पर कानून के सामान्य कोर्ट्स में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे ही लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स को जानने के लिए जुड़े रहिए एलेफ और जुडिशियरी के साथ। थैंक यू।